ये थी हमारे साथ पूनम गौतम। जैसा कि पिछले एक सप्ताह से डासफी का नाम चल रहा था, डासफी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे थे, कल मैंने भी एक पोस्ट डाली जिसके ऊपर बहुत बड़ा बवंडर हुआ और लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आप भी इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया दें और हम कोशिश करेंगे अभिमन्यु से मिलने की और अभिमन्यु का भी पक्ष इस मामले में जानने की कि क्या है वो हालात, क्यों करते हैं वो ऐसा। अगर इस बात में सच्चाई ऐसा कि पूनम ने स्पष्ट तौर पर तीन चार आरोप उन पर लगाए हैं, अगर ये बात सच है तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु को अपने अंदर परिवर्तन तो लाना होगा, नहीं तो भविष्य उनका मुझे लगता है बहुत ज्यादा अंधकार में रहेगा। धन्यवाद पूनम अपना पक्ष समता आवाज के स्टूडियो में रखने के लिए और अपनी बात को बड़े आपने और आपने जो अपनी बात को इतनी कठोरता से रखा है और निष्पक्षता से अपना पक्ष दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे लगता है हमारे बहुजन समाज की हर महिला को, हर लड़की को इस तरीके की विचारधारा उसकी होनी चाहिए। बाबा साहब को ना सिर्फ पढ़े, बाबा साहब को समझे भी। कुछ और कहना चाहेंगे चलते चलते पूनम? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अभी मेरी पुनिया को माफ नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान से जय भीम बोलने तक का हक छीन लेना चाहिए, ऐसे इंसान का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब रोड पे पड़ी हुई चीज नहीं है, वो हमारे लिए सम्माननीय है। जिस इंसान के मुंह से जय भीम निकले वो इंसान सम्माननीय होना चाहिए। और लड़कियों को मैं कहूंगी, लास्ट लड़कियों को मैं कहूंगी, इज्जत का डंका क्या होता है, क्या होता है ये इज्जत? हमारी इज्जत, हमारी इज्जत, घर वालों की इज्जत, व्हाट इज दिस इज्जत? इस इज्जत के चक्कर में दिन रात इज्जत लूट रही है लड़कियों की। क्यों नहीं समझ रही है लड़कियां ये? मेरी भी रिस्पेक्ट है, मेरी भी फैमिली है, कल को मेरी फैमिली तक बात जाएगी, वीडियो जाएगी कि मेरे फैमिली वाले सवाल नहीं करेंगे। करने दो, क्या करेंगे, मेरा गला दबा देंगे, हक क्या उनको, मारेंगे मेरे को, मारने दो, जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म कर देंगे, करने दो। लेकिन अगर मेरे एक आवाज उठाने से मेरी लाखों बहनें सेफ होती है तो मैं तो आवाज उठाऊंगी। ये एटीट्यूड लेकर आइए, ये इज्जत का डंका बंद कीजिए, बोलिए शोषण के खिलाफ, बोलिए। मैंने देखा, मैं पिछले एक साल से समाज में एक्टिव हूं, मैं नाम भी ले सकती हूं लेकिन नाम लूंगी नहीं। मैंने बहुत अंबेडकरवादी लड़कियां देखी है, दिन रात 10 मिनट पे पोस्ट डालती हैं, बाबा साहब ये, बाबा साहब वो, और जब मेरा मैटर आया ना कोई निकल के नहीं आया। ये अभी जब ये मनोज जी ने जो फेसबुक पे वीडियो डाले उसके बाद समाज मुझे सपोर्ट कर रहा है, बल्कि मैं पिछले 15 दिन से सफर कर रही हूँ और मेरे जो बिल्कुल क्लोज हैं लोग, मैं उनके नाम नहीं लूंगी लेकिन मेरे जो क्लोज लोग हैं उनको सब मैटर पता होते हुए भी किसी ने कोई मेरे साथ नहीं आया, किसी ने खुल के फेसबुक पे नहीं लिखा, मुझे पर्सनली फोन करके इंक्वायरी कर रहे पूनम चल क्या रहा है, क्या हो गया, ये हो गया, अच्छा ठीक है। लेकिन अगर साथ में आते, अभिमन्यु पुनिया ने एक लाइव दिया, क्यों नहीं समाज के लोगों ने लाइव दिया? मुझे फोन करके बोल रहे हाँ हम जानते हैं उसके और भी लड़कियों के साथ थे, ये था, लेकिन खुल के लाइव क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बोला उन्होंने कि अभिमन्यु पुनिया तू ही गलत है? यह गलती है समाज की, अगर चुप रहना है रहिए, मेरी गारंटी है कुछ नहीं हो सकता। सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। लड़कियों से कहूंगी इज्जत नाम का डंका ना बंद कीजिए, इज्जत लड़कों की खराब होनी चाहिए, हमारी नहीं। हम तो विश्वास करती हैं, हम प्यार करती हैं, क्या गलती करती हैं भाई? और जरा सा हम थोड़ा सा क्लोज हो जाए तो वो भी हमारे ऊपर होता है कि लड़की खुद से आई है हमारे पास, क्यों भाई? हमारे अंदर फीलिंग नहीं होती, हमारे अंदर इमोशंस नहीं होते? बताइए, आज के टाइम में 18-19 साल की लड़कियां अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, लेकिन मुझे देखिए, मेरी उम्र अच्छी खासी है, मेरे साथ बॉयफ्रेंड है, मैं अपने घर से दूर, क्या नहीं कर सकती मैं क्या नहीं कर सकती? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, नहीं कर रही, अपने रूल्स हैं, मुझे पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इतना लड़कों को सर पे मत चढ़ाइए, ये बॉयफ्रेंड, ये पति और ये सफेद घोड़ा और राजकुमार, इन सबकी चीजों से बाहर आइए, रियल लाइफ में जिए। बाबा साहब का सपना था आप चांद पे आके बैठे, सुहागरात की सेज पे हर लड़की बैठती है, रिक्शे वाले की भी लड़की बैठती है और प्रधानमंत्री की लड़की बैठती है, कोई बड़ी बात नहीं है शादी और सुहागरात की सेज, चांद पे जाने की कोशिश कीजिए, बस इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद आपका।